अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्मार्ट टीवी। मैं हूँ आपके साथ अदीना चौधरी। बढ़ते हैं आज की अहम खबर की। रोबर्ट सिंह, हमारे ब्यूरो चौधरी मोहम्मद इकबाल बल की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों का सप्लाई पंजाब फूड अथॉरिटी की गिरफ्त में। फूड सेफ्टी टीमों की कमालिया रोड पर मुर्गियां सप्लाई करने वाली गाड़ी की चेकिंग। 355 किलो मुर्दा मुर्गियां बरामद करके तलब, मुकदमा दर्ज, गाड़ी जब्त, मुलजिम गिरफ्तार। मुर्दा मुर्गियां नीले ड्रमों में छुपाकर सप्लाई की जा रही थी। चेकिंग के दौरान इंतहाई लाजिम सप्लाई रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया। गाड़ी पर मुर्दा परिंदों की नकल व हमल के हवाले से कोई ब्रांडिंग ना की गई थी। फूड सेफ्टी टीमों ने 355 किलो मुर्दा मुर्गियां तलब कर दी। जालसाजी का मकरूह धंधा करने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। मुर्दा मुर्गियों को गोश्त तैयार करने के लिए सप्लाई किया जाना था। मुर्दा गोश्त का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों की मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बनता है। पंजाब भर में खुराक का कारोबार करने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी का कानून पर अमल दरामद है। अवामुल नास की सेहत के लिए के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ के खिलाफ सख्त कार्रवाई में अमल में लाई जाएगी। सिलसिला जारी रहेगा, जुड़े रहिए समाई के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।